रामकृष्ण कुसुमारिया के कांग्रेस में शामिल होने पर सीएम कमलनाथ ने कहा कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, आगे आगे देखिए होता है क्या। कमलनाथ के इस बयान के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। देखिए इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रामकृष्ण कुसुमारिया का कांग्रेस में स्वागत किया। उन्होंने कहा, रामकृष्ण कुसुमारिया का कांग्रेस में शामिल होना अभी केवल ट्रेलर है, आगे देखिए क्या क्या होता है। कमलनाथ ने कहा, कुसुमारिया एक प्रतिष्ठित नेता हैं, वह 5 बार सांसद रहे और कई दफा विधायक रह चुके हैं। उन्होंने दुखी होकर भाजपा छोड़ी है। उन्होंने साफ किया है कि जो भाजपा उन्होंने ज्वाइन किया अब भाजपा वह नहीं रही। कमलनाथ ने साफ किया कि उन्हें बाबूलाल गौर के बारे में नहीं पता, लेकिन रामकृष्ण कुसुमारिया का कांग्रेस में स्वागत है। बाबूलाल गौर जी के बारे में नहीं जानता, पर कुसुमारिया जी का स्वागत है। एक प्रतिष्ठित नेता और वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के रहे, 5 दफ़े तो वो सांसद रहे, कितनी दफ़े विधायक रहे। उन्होंने अपनी बात स्पष्ट कर दी कि आज की भारतीय जनता पार्टी और जिस भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने प्रवेश किया था बहुत अंतर है। इसलिए वो दुखी होके, भारतीय जनता पार्टी से दुखी होके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है। सर ये ट्रेलर है, आगे भी देखते जाइए। सर बता दें कि मुख्यमंत्री कमलनाथ अल्प प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के साथ साथ राजा भोज की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान सीएम कमलनाथ के साथ उनके बेटे नकुलनाथ भी मौजूद थे। इस दौरान कमलनाथ ने प्रशासनिक सर्जरी पर गोपाल भार्गव के बयान पर भी पलटवार किया और कहा कि उन्होंने व्यवस्था चौपट की थी और हम व्यवस्था को सुधार रहे हैं। देखिए मैं तो जो प्रशासनिक व्यवस्था ठप हुई हुई थी उसे सुधार रहा हूँ और उसको सुधारने में बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत फेरबदल करना पड़ता है। तो वो फेरबदल हो रहा है, उनको पता नहीं उसमें से उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष ने कमलनाथ सरकार पर अधिकारियों के तबादले करने पर सवाल उठाए थे। कुल मिलाकर सीएम कमलनाथ ने ट्रेलर दिखाकर ये बता दिया है कि लोकसभा चुनाव से पहले वे कई और ऐसे ट्रेलर दिखा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, छिंदवाड़ा।